जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब युगांडा का प्रेसिडेंट इदी अमीन, जिसको भी मृत्युदंड देता था, बड़ा क्रूर था। हथौड़ों से चौराहे पर खड़ा करके तब उसको मारता था। मारने के बाद उसका लहू पीता था, कहता था ये अब अगले जन्म में मुझसे बदला नहीं ले पाएगा। लेकिन विश्व कभी भी ऐसे आक्रांताओं, ऐसे क्रूर शासकों को माफ नहीं कर पाता है। तो कहा भाई फांसी की सजा इस तरह दी जाए, मौत की सजा की पीड़ा ना हो। फिर उन्होंने फैसला किया पॉइजन का एक इंजेक्शन दे दिया जाए, जहर का एक इंजेक्शन देकर के आदमी को मारा जाए। धीरे धीरे स्लाइटली सोता जाएगा, मर जाएगा। पर मालूम है डॉक्टरों ने एक्सेप्ट नहीं किया, डॉक्टरों ने नकार दिया, बोला नहीं हमारी सुई जीवन देने के लिए, हम कोई जल्लाद नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने बिल्कुल भी इसको नकार दिया, हम नहीं कर सकते ये काम, हमारी सुई जीवन देने के लिए, हमारी सुई जान लेने के लिए नहीं, हम कोई जल्लाद नहीं है, हमारी इंजेक्शन आखिरी सांस में भी इंसान मर रहा है तो उसको जान देने के लिए ये काम हम नहीं कर सकते। इस तरह एक महात्मा, एक महापुरुष अपनी शक्तियों से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर पहुंचा रहा है तो वो राक्षस हो गया, वो राक्षस हो गया। वो किसी के उत्थान के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करता है, वो किसी के कल्याण के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करता है। आपके हाथ में तमाचा मारने की ताकत है, लेकिन क्या सबको तमाचा मारते घूम रहे हैं आप? नहीं मार रहे हैं। आप सोच रहे हैं भाई ये अपराध होगा, लेकिन बहुत जरूरी जहां हो जाता है तो आप तमाचा भी लगा देते हैं। इस तरह एक महापुरुष अपने को बिल्कुल भी कंट्रोल में रखता है, हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरी शक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी पीड़ा न मिले, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि भाई हाथ तमाचे मारने के लिए थोड़ी दिया गया है, हाथ दिया गया है कर दिए गए शुभ कर्म करने के लिए। हाँ इससे तमाचा भी चलाया जा सकता है, लेकिन हमेशा तमाचा चलाना फिर क्रूर और हिंसक हो जाएंगे। इस तरह एक महापुरुष अपनी इन शक्तियों के द्वारा किसी भी कीमत में किसी को भी कभी भी कष्ट देना नहीं चाहता है। ये सब शक्तियाँ मनुष्य के अंदर है, गोरखनाथ में ये शक्ति थी, इसमें परफेक्ट थे। गोरखनाथ शास्त्रीय मुद्रा ये कहलाती है, आंखों के पीछे कंसंट्रेशन रोक करके इन शक्तियों को प्राप्त कर लेते थे। और एक ऐसा जिस्म भी प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा आदमी मूवमेंट भी कर लेता है, ये शरीर प्राप्त हो जाता है इस शास्त्रीय मुद्रा में। ओंकार भूचरी मुद्रा दूसरा नाम कह रहे हैं, त्रिकुटी है अस्ताना। व्यासदेव किसको पहचाना महाज्ञान हो जानो। व्यास जी थोड़ा सा इससे हाइट में जाते थे, जैसे भाई बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बस वो सेकंड ईयर में जा रहे हैं। उस अवस्था में साधक अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र में रोकता है। यहां ये पंचवटी भी है, पांचों तत्व का वास आंख के आंखों में है। पांचों तत्व आधा आधा पौन पौन घंटा मूवमेंट करते रहते हैं, पांचों तत्व का कलर है। अंदर में ध्यान करने की विधियां हैं, पर वर्तमान में क्या है, अंतर्मुखी लोग कम मिल रहे हैं। गुरुआ लोग भी अंतर्मुखी कम मिल रहे हैं, जो अंतर साधना को जानने वाले लोग कम मिल रहे हैं। आइए हम देखते हैं, जैसे गायन की कला सबके पास नहीं है। साहब ने छह राग के गाने का समय बोला, छह रागों को कैसे गाना चाहिए, किस रित में गाना चाहिए। साहब ने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया है कि हम इन रागों को कब बोलें, इसकी ऋतुएं क्या है, राग कैसे गाएं और इन रागों की लय क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। आइए थोड़ा इस पर भी बातचीत करते हैं। ये छह राग कैसे है, राग प्रथम भैरव कहो माल को स्पुंजान, ये छह राग कैसे है। हिंडोल राग तीजो कहत दीपक राग बखान, चौथा है दीपक राग। श्री राग कभी कहते हैं मेघ राज राग पुनसार, खट रागन के नाम यह कहे भेद विस्तार। ये छह राग हैं, राग भैरवी, राग मलकोस, राग हिंडोल, राग दीपक, राग श्री,
श्री राग और राग मेघ, ये छह राग। आइए देखते हैं रागों के गुण। भैरव सूर शूरता कहे, ये राग भैरवी में शूरता है। जैसे ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में आसर लुटा जाएंगे, राग भैरव है। ये रोमांच रोमांचित कर देता है, खून उबलने लगेगा। इसी पर धुनें भी बनी हुई है। सेना में जितनी भी बैंडे हैं राग भैरवी पर हैं, ताकि एकदम आदमी में जोश उत्पन्न हो जाए। इन रागों के गुण भी हैं, ये सब गुण दिए। कोलू चले जो धाय, मलको सब जानिए पाहन पिघल बहाय। ये राग मलकोस बहुत इनोसेंट हैं, पत्थरों को पिघाले अर्थात हृदय को। काफी प्रभावित करने वाला, इमोशनलिटी पैदा करता है, भावुक बना देगा। जैसे मन तर सत गुरु दर्शन को आज राग मलकोस में है। पर बहुत कम गायक हैं जिनको यथार्थ में इन रागों की पूरी पूरी जानकारियां, गाए जा रही हैं दुनिया। अब साहब समय भी दे रहे हैं, इन रागों को गायन का समय भी दे रहे हैं। देखिएगा, चले हिंडोला आपते सुनत राग हिंडोल। जब राग हिंडोल उठता है आदमी झूमेगा ऐसे जैसे हिंडोला चलता है। कभी कभी आप देखें कोई ऐसी तर्ज ऐसी धुन आती है तो आदमी झूलने लगता है। मैं यहां किसी की अस्तित्व निंदा नहीं करने बैठा, लेकिन कम से कम हमारे भारतवर्ष में गायन में दो लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, एक रफी एक लता। ये छह रागों में गा लेते हैं। मैं बाकी गायकों की निंदा नहीं कर रहा हूं, इनको गायकी में बड़ा लंबा समय हो गया। ये इन रागों के गुण को अच्छी तरह जानते हैं, उत्तम कलाकार हैं। ये बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और स्वभाव से भी निम्र थे दोनों। मुझे याद है इंदौर में नेहरू स्टेडियम में आज से करीब 45 साल पहले दारा सिंह की कुश्ती थी मजीद अक्कारा के साथ। तो जब वो वहां आए तो एक पुराने पहलवान ने दारा सिंह से कहा, बूढ़ा था, बूढ़ा हो गया था, बोला मैं भी पहलवान हूं, आओ दो हाथ हो जाए। दारा सिंह झुका, उनके पैर को पकड़ा, कहा आप जैसे बुजुर्गों की कृपा से ही तो हम यहां हैं। उस बूढ़े ने पहलवान ने दारा सिंह को पता क्या कहा, तू सच्चा पहलवान है, एक किसी भी कलाकार में घमंड नहीं हो। आप देखें जिसमें भी अहंकार है उसको लोग कम पसंद करते हैं, और जो बाकी पब्लिक की दुआ है, जो पब्लिक का समर्थन है, ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको काफी सहयोग देगा। जो भी ऐसी बुलंदियों को छूने वाले लोग हैं उनके साथ में पब्लिक की दुआएं भी साथ होती है, घमंड न रहे। शायद सचिन तेंदुलकर से बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो उदंड नहीं है, निम्र है, शील है, इसलिए लोग उसे प्यार कर रहे हैं। उससे बेहतरीन फॉर्म वाले लोग भी हैं लेकिन वो उदंड हैं, बदतमीजी कर बैठते हैं। कुछ लोग उसके समकक्ष भी चल रहे हैं लेकिन उनमें गंभीरता नहीं है, लोगों का प्यार और हमदर्दी उसके साथ है, जरूर वो थोड़ा बहुत मदद दे देती हैं। इस तरह ये गायकी के जो कलाकार थे ये उदंड नहीं है, इतनी बुलंदियों को छूने के बाद भी इनमें गंभीरता है। इस तरह एक महापुरुष जो है वो कितनी भी बुलंदियों को छूता है उसमें अहंकार नहीं आता है, जिसमें भी अहंकार आ गया समझो कि वो डाउन है। अहंकार की उत्पत्ति होती है अज्ञान से है, जिसमें भी अज्ञान है उसमें अंधकार है, अज्ञान की उत्पत्ति फिर अंधकार से है। तो मैं राग पर बात कर रहा था, ये बेहतरीन गायकी का, जैसे मैं फिल्म तो देखता ही नहीं हूं, कभी कभी अखबार में कुछ पढ़ लिया, न मैं टीवी सीरियल देखता हूं कोई, न अन्य चीजें, पर कभी कभी पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं।
आप सबके मुखारविंद से, तो ये गायकी में इनका सानी नहीं, ये यथार्थ में इन छह रागों को ठीक से जानते हैं और उतना ही अपने अंदर इमोशनलिटी बना लेते हैं। जिस गायन को, जिस राग को उठाना है वैसा अपना हृदय बनाना पड़ता है। जब तक अगर प्रभु की लहर में आप इंडोल राग गा रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी भी झूलने वाली होनी चाहिए, अंदर आपका मन भी वैसे ही होना चाहिए। अगर आप ये चीज देखेंगे रफी की गायकी में यही है, जब मन तरसत गुरु हरिदर्शन को आज, वो जब वो गा रहे हैं सही में उनके अंदर तड़प है। लता जी के कई ऐसे गीत हैं जब आप सुनेंगे तो हृदय को छू लेते हैं, वो अपना हृदय भी वैसा बनाना जानते हैं। बस गाना ही सिर्फ केवल नहीं होता है, उसके साथ में अपनी इमोशनलिटी, अपना अंतःकरण भी उसी स्तर का बनाना होता है। तो आइए देखते हैं, कह रहे हैं भाई इन रागों के गुण हैं। बरसे जलगंधार अति मेघराज के बोल, उमंग उत्पन्न करते हैं मेघ राग, मेघ उमंग और तरंग जैसे आप देखते हैं, और इनके गाने का समय भी है, ऋतुएं भी हैं। आगे कह रहे हैं श्री राग के सुर सुने सूखो वृक्ष हरा, एकदम आपको उन्मादित कर देंगे श्री राग जब उठेगा। कह रहे हैं सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा, दीपक दियो बर उठे जो कोई जाने गाए। वाह कबीर साहब कह रहे हैं अगर दीपक राग कोई सही से गाना जानता है तो दीपक को भी जला देगा, मेघराज को अगर ठीक से जानना जानता है तो बादलों को भी ला देगा, और अगर हिंडोल राग को ठीक से गाना जानता है तो आपको हिंडोले की तरह हिला भी देगा। वाह, ये गायन एक साधारण चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है जो आपके हृदय को भी स्पंदन करता है। आइए हम देखते हैं रागों को गाने का समय भी है, हमारे स्नायु मंडल और हमारी नाड़ियों से इनका संबंध है, हमारी श्वास से इनका संबंध है। पिछले प्रहर निश्वसे समय भैरव राग बखान, सुबह पिछले पहर भैरव राग, माल को सब गाइए जब सब निकले भान। पिछला पहर क्यों कहा, चार पहर की रात है चार पहर का दिन, अमृत वेले में रात और दिन का सामंजस्य होता है और संध्या को भी। कह रहे राग भैरव उस समय आप थके हुए नहीं होते, आपकी वाणी बड़ी बुलंद निकलेगी। गायक हमेशा थोड़ी अच्छा गा पाते हैं, स्वरों का संबंध है, ये कम गायकों को मालूम है। जब भी दहना स्वर चले राग हिंडोल कभी नहीं बनेगा, राग दीपक उठेगा उस समय राग भैरव भी उठेगा, क्योंकि उस समय आप तेज जाएंगे। जब भी चंद्र स्वर चले तब आप राग मलकोस गा सकते हैं, राग हिंडोल गा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इन रागों की जानकारियां हैं। फिर आजकल तो संगीत भी ऐसा हो गया है धड़ाम से, ऐसे लगता है जैसे कोई शीशा फर्श पर धम, संगीत भी ऐसा ही हो गया है, ना उसमें कोई राग है ना कोई चीज है। गाना हिंद का, वाह भाई गाना हिंद का, भारत का गीत, इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग कला थी, छह राग का ज्ञान था, इसलिए भारत जैसा गीत दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, क्योंकि उस लय से हमारे लोग इस नृत्य को, भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत पर और कथकली आदि जो ये नृत्य हैं, ये पूरे पूरे उस रुचि रंभा आदि के द्वारा ही प्रचलित हुए थे। आइए देखते हैं, एक बार जब दिन चढ़े करे राग हिंडोल, यानी एक बार दिन चढ़ जाए जब 9 बजे के समय राग हिंडोल गाना, क्यों आप 9 बजे के टाइम पर आप देखना मोस्टली आपका पेट खाली है और आप भोजन ठूसा हुआ है, आप नहीं गीत गा सकते हैं, क्योंकि कुछ इसके लिए भी व्यायाम की जरूरत पड़ती है, प्राणों का आयाम करना पड़ता है। गायन में कुछ मूलाधार चक्र से भी साउंड खींची जाती है, कुछ पेड़ों से खींची जाती है, कुछ हृदय से खींची जाती है, कुछ कंठ से खींची जाती है, कुछ तालु से ली जाती है, कुछ नासिका से ली जाती है, किस समय इसको आरोह अवरोह देना है, किस तरह घुमाना है, ये एक गायन एक बेहतरीन कला है, इसके लिए समय भी है। तो सुबह आप मोस्टली आपका पेट खाली है, जब पेट खाली है उस समय आप सभी स्वर खींच करके गा सकेंगे, रोटी खाने के बाद आपका गायन, जो गायक लोग हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, गीत नहीं जम पाएगा। कह रहे ठीक दोपहर के समय दीपक के सुर बोल, बोल रहे हैं दीपक गान उस समय गाना है दोपहर जब हो जाए, उसके लिए तपिश की जरूरत होती है, उस समय तपिश की जरूरत होती है। मूंगफली सर्दी में क्यों खाता है आदमी, चने और मूंगफली गर्मी में नहीं खा रहा है,
क्योंकि उनकी तासीर गर्म है, हमारा अंत जो स्टोमक है वो डिमांड करता है कि ला भाई मूंगफली खाना है, ला भाई चने चबाने हैं, ला भाई वो गजक खानी है, क्योंकि ये सब गर्म है उस समय। इस तरह उस समय आपका अगर गाने की इच्छा हो तो कह रहे हैं भाई दोपहर के समय राग दीप उठाना, मेघराज सभी बोलो जब है मैं मेघ बरसाए, कह रहे मेघराज उस समय गाना कि जिस समय पवन ऐसी चल रही हो, सावन का महीना पवन करे शोर आदि, ये राग मेघ में है। तो पुराने जो संगीतकार लोग थे उनको ये भी मालूम था, वो इन गुरुओं को जानते थे और कलाकार भी बड़े अच्छे अच्छे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी नहीं है कलाकार, आगे कह रहे हैं बसंत ऋतु में, अब इनके लिए ऋतुएं भी हैं, स्पेशली इन गीतों के लिए ऋतुएं भी हैं। फागुन में ये राग सब जागत आठों धाम, लेकिन फागुन के महीने में कभी भी राग गा लेना, हेमंत ऋतु में कोई भी राग गा लेना, जमेगा। और जिस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की खुली है, जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है बाई, आप देखें एक समय पर एक नाड़ी चलती है, बायां स्वर चल रहा है, उस समय समझ लेना आपका चंद्र नाड़ी, आप शांत होंगे, आपकी नेचर भी शांत होगी, उस समय आप मध्य होंगे, चांद शीतल है, उस समय राग मलकोस राग हिंडोल बहुत टाप उठेंगे। अगर राग हिंडोल आप उठा रहे हैं और दहना स्वर चल रहा है सूर्य नाड़ी, तो आप चाहे कितना भी बेहतरीन लता जी भी होगी ना, तभी भी अगर ये स्वर चल रहा है ना तो राग इंडोल नहीं जम पाएगा। इसलिए कुछ कुछ कलाकार इतने गहरे हैं, तानसेन आदि, उन्हें इन स्वरों का भी ज्ञान था, इसलिए वो सुषुम्ना नाड़ी को खोल करके तब गायन शुरू करते थे। इंडा को पिंगला भी लेकर के सुषुम्ना खुल जाती है, जब ये मध्य की नाड़ी सुषुम्ना खुलेगी, जो नहीं गाना जानता है उसका भी दिल करेगा, वो भी गुनगुनाने लगेगा, वो भी चाहेगा कुछ गाऊं। कभी कभी आप देखते हैं आपकी तबीयत करती है कुछ गाएं, वो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, उस समय हर एक राग, ये किंग नाड़ी है, जब ये नाड़ी खुल जाती है हर एक राग आप गा सकते हैं, आप हर एक राग गा सकते हैं जब ये नाड़ी चल जाती है। कह रहे भैरव शरद सुसुर शिशिर और हिंडोल बसंत, राग भैरव शरद ऋतु में और शिशिर ऋतु में, इसलिए छह ऋतुओं के लिए छह राग है। और हिंडोल बसंत राग हिंडोल बसंत ऋतु में, हर ऋतु दो महीने की है, हर ऋतु दो महीने की है, छह ऋतु बारह मास, हर ऋतु दो महीने की है, इसलिए बसंत। इस तरह साधन में भी जब साधक बैठे उसने ये ध्यान देना होगा, पहले अगर चंद्र नाड़ी खुली है आप ध्यान करेंगे आपको एकदम दिल करेगा अभी उठूं अभी उठूं अभी उठूं, आपका ध्यान नहीं जमेगा। अगर ये नाड़ी चल रही है आप ध्यान में बैठ जाएंगे, आप सो जाएंगे, शर्तिया सो जाएंगे, आपको नींद आएगी, चंद्र नाड़ी आपको सुला देगी, ये शीतल है। इसलिए इंडा के घर पिघला जाई सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहन सुंग तत्व विचारा बंकनाल में करे संभारा। भैया एक बॉक्सर की जो कोचिंग लेता है सिर्फ मुक्का मारना नहीं सीखता है, मुक्के को बचाना भी सीखना पड़ता है, मुक्के को सहना भी सीखना पड़ता है। इस तरह साधन की कई प्रक्रियाएं इस शरीर के अंदर बिना एक पूर्ण गुरु के सानिध्य के जाना ही नहीं, बड़ी त्रुटि है। इस तरह अगर आप ये नाड़ी चल रही है ध्यान में बैठोगे पक्का शर्तिया नींद आ जाएगी, आपकी इच्छा होगी सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं। अगर ये नाड़ी आपकी चल रही है आपकी तबीयत होगी उठ जाऊं उठ जाऊं उठ जाऊं, मसलेंगे आप। इसलिए जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी आपकी सुरती भी जमेगी। इसलिए इंडा के घर पिंगला जाए सुखमन नीर रहे ठहराई, ओम सोम तत्व विचारा बंकनाल में किया समारा। साहब की वाणी में बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इस तरह जब ये मध्य में नाड़ी खुलती है तब जाकर साधक उस रूट पर आ जाता है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।